हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो जैसा कि हम रीजनिंग में वीकेंड स्पेशल रीजनिंग चलाते हैं, तो रीजनिंग में हमने अभी तक तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और क्लॉक। तो अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे वो वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ चैप्टर कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे थे, कोर्स पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, बट अब इसको बेसिक से लेके चलेंगे क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की कमेंट आए थे, उन्होंने बोला था कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाई, मतलब थोड़ा बेसिक से। तो हम बेसिक से इस बार जाएंगे कैलेंडर को और कैलेंडर को बेसिक से जाएंगे कैसे क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं और कैलेंडर के बारे में जानते हैं। तो जनरली आप कैलेंडर के बारे में क्या जानते होंगे, आप घर पर कैलेंडर लगा होगा, आप उसमें क्या देखते होंगे, डेट देखते होंगे जनरली, ठीक है। तो अगर कैलेंडर को ये लिखते हैं कि कैलेंडर को हम शॉर्ट लैंग्वेज में इसकी अगर डेफिनेशन दे तो रिपीटेशन ऑफ सेवन डेज, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेवन डेज के बारे में रिपीटेशन होता है हमारा कैलेंडर में, वही होता है हमारा कैलेंडर। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कैलेंडर बोले तो कैलेंडर को आप यही बोल सकते हैं। अब कैलेंडर किस किस टाइप के होते हैं, आप इन कैलेंडर से एक ही टाइप का होता है, हमें तो एक ही कैलेंडर साथ होता है, बट नहीं, उसमें अगर पढ़ाई के रेश्यो में जाए तो कैलेंडर के हम टाइप देखेंगे। तो कैलेंडर हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मतलब कैलेंडर में ईयर कितने साल का, तो सॉरी कैलेंडर मतलब नहीं होता है कैलेंडर में ईयर, तो एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। ये दो आपने ईयर पढ़े होंगे बचपन में पढ़े होंगे, अगर आपने अभी नहीं पढ़े होंगे। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो हमारे होते हैं 365 डेज, और लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज, इतना आप सबको पता होगा। अब 365 और 366 डेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है वो हम देखते हैं। एक और होता है इसमें, वो भी मिला लेते हैं जरा, वो होता है हमारा सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर के बारे में हम जानेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो सेंचुरी ईयर डबल 100, 200 या 2000 या 2100, इस तरह से ये जो नंबर के लास्ट में दो जीरो आते हैं उनको हम बोलेंगे सेंचुरी ईयर। तो मैं आपको जनरल स्टार्टिंग समझाता हूं, ये मैं इसको वेरिएंस कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो पसंद आ रहा हो वीडियो लाइक करते रहिए। कौन से देखते हैं हम, पहला नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, फिर आता है हमारा लीप ईयर, फिर आता है हमारा सेंचुरी ईयर। ठीक, अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल में मैंने तीन नंबर लिखे, एक लिखा मैंने 1985, ठीक है, एक लिखा मैंने 2020, मतलब यही साल लिख लिया, और ये लिख लिया 2015 या 1865, ये हमने फोर नंबर्स ले लिए, फोर इयर्स ले लिए। अब इसमें से कौन सा नॉर्मल ईयर कौन सा लीप ईयर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल सा है। अब उस नंबर में अगर हम फोर से डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर उसको फोर से डिवाइड करते हैं, अगर ये नंबर पूरा कैंसिल हो जाता है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हमारा वो हो जाएगा लीप ईयर, और अगर रिमाइंडर बचता है तो हमारा हो जाएगा नॉर्मल ईयर। इतना तो फोर से कट जाएगा, इसमें आएगा रिमाइंडर कितना, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो यानी ये हमारा जो होगा वो हो जाएगा एक नॉर्मल ईयर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे फोर से, तो ये भी आ जाएगा हमारा एक नॉर्मल ईयर, ये इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा। आगे देखते हैं, इसको हम देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 5 टाइम्स और 0 5 टाइम्स, यानी कि पूरा चला जाएगा, इसलिए हमारा ये हो जाएगा लीप ईयर। और ये आप आपका करंट ईयर है, इस बार आप खुद आप देख लीजिएगा, फरवरी आपकी 29 दिन की होती है, तो ये वो हो जाता है आपका लीप ईयर। 2015 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल ईयर, ठीक है। इस तरीके से हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को डिसाइड कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात आती है सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई नंबर होगा जिससे 100 या 200 या मैं 2000 ले लूं या 2020 ले लूं, सॉरी 2100, तो इसके लास्ट में दो डिजिट आता है। तो सेंचुरी ईयर को हम फोर से डिवाइड नहीं करते, सेंचुरी ईयर में हम डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय 400, डिवाइड करते हैं 400 से, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आप देखते चलिएगा, मैं आपको दे दे करके सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो जाहिर सी बात इसका रिमाइंडर पूरा पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा, ये मतलब आपका सेंचुरी ईयर नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सेंचुरी ईयर तो है क्योंकि लास्ट में 00 है, मगर एक होता है सेंचुरी और लीप ईयर दोनों, जो वो जो कोई कोई ईयर लिखा होगा वो सेंचुरी ईयर और लीप ईयर दोनों होगा, उसको मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ। तो ये आपका सेंचुरी ईयर तो है 100, बट लीप ईयर सेंचुरी और लीप ईयर नहीं है। वैसे इस तरह से आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब लेकिन अब 2000 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर, ये आपका सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। शायद आपको थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर 2000, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यानी ये भी नहीं होगा, बट ये हो जाएगा आपका सेंचुरी लीप ईयर। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अब उस पर विचार करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी सूर्य के अकॉर्ड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अब वो चक्कर कितने दिन में लगाती है, एक वो पूरा राउंड कितने दिन में कंप्लीट करती है, ये हम देखते हैं। तो वो एक राउंड पूरा जो होता है वो 365 डेज फाइव आवर्स 48 मिनट्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बट 48 मिनट में लेके चल रहा हूँ, इस पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन, क्योंकि जिन्होंने कैलेंडर बनाया है उन्होंने ये रखा, उन्होंने घटना की और उन्होंने बनाया कि इस तरह से पृथ्वी एक मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इतने दिनों में, इतने दिनों के घंटे में। तो अब इसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने एक रूल निकाला कि 365 डेज उन्होंने छोड़ दिया, और ये जो था इतना इसको उन्होंने राउंड फिगर कर लिया, 6 आवर्स मान लिया, ठीक है, माना थोड़ा चीट किया उन्होंने, बट उसको 6 आवर मान लिया। अब इस 6 आवर को 4 टाइम ऐड किया, क्योंकि 4 साल में आता है आपका लीप ईयर, तो इसको 6 + 6 + 6 4 आवर किया, जब आपका 24 आवर्स बन गया, 24 आवर्स इसका टू 1 डे हो गया, तो इसको 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आपका हो गया 366 डेज। तभी आप देखते होंगे हर चौथे साल में आपका लीप वर्ष आता है, और लीप ईयर का वो जो एक दिन होता है वो कहाँ काउंट होता है, वो फरवरी में काउंट होता है, जो फरवरी आपकी 28 डेज में नॉर्मल ईयर में होती है और लीप ईयर में 29 डेज की हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आया लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं और डेज के बारे में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले लीप ईयर और मैंने वो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड करते हैं 4 से, ताकि वो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बात आती है और डेज, और डेज कैसे फाइंड करते हैं, और डेज यानी विषम दिन, ये सब विषम वाला नहीं है, ये और डेज, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में आप जानते हैं कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज कैलेंडर का मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था रिपीटेशन ऑफ 7 डेज, यानी कि रिपीट करते रहते हैं 7 डेज को, आप इतना जानते होंगे रिपीटेशन ऑफ 7 डेज, तो वो होगा आपका मतलब आपके यहां से कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, यानी कि ये 52 आएगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा एक साल में कितने सप्ताह होते, कितने हफ्ते होते, कितने वीक होते, तो 52 होते 52, इतना आपको सब पता होगा। तो ये 52 जो होगा ये आपके बंडल बन गए, मतलब 52 जो हफ्ते के बंडल बन गए अलग फिर हो गए, एक दिन हमेशा बच जाता है 665 मतलब नॉर्मल ईयर में। इसके बाद आते हैं जैसे लीप वर्ष में अगर निकालना हमें, तो 366 होते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो सेम 52 सप्ताह तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि यहां पर और डेज 2 बच जाते हैं। ये मैं ईयर की बात कर रहा हूं, और डेज इन ईयर,
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है आगे, हम देखते हैं यहाँ पर यार, तो आपने देख लिया ऑलरेडी कितने होते हैं। अब बात आती है मंथ्स में, मंथ्स में मुझे निकालनी पड़ेगा मैं। अब मंथ में कितने दिन होते हैं, अब आप कहेंगे 30, मैं कहूंगा 31, फिर होगा 28, होगा 29। तो पहले आता है कॉन्सेप्ट 28 डेज का, ठीक है। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। यानी कि ये ऑड डेज हैं, ये ऑड डेज जो मैंने निकाला है यहां पर 0 ऑड डेज, ठीक है। 29 डेज में आएगा क्योंकि फरवरी वाली, फरवरी 29 डेज की भी होती है, उसमें आएगा 1 ऑड डे जी, इस तरह से चलता रहेगा। आगे देखते हैं, उसके बाद आता है 30 डेज होते हैं, उसमें निकालते हैं तो उसमें बचेगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 ऑड डेज। उसके बाद आता है 31। अब इससे ज्यादा तो महीने में दिन नहीं होते हैं, होते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे ज्यादा नहीं होते होंगे। चार कॉन्सेप्ट हमें मंथ्स में मिलते हैं, एक 28 डेज का जिसमें हमको 0 ऑड डे मिलेंगे, 29 डेज का 1 ऑड डे, 30 डेज 2 ऑड डे, 31 डेज 3 ऑड डेज। एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप अपना कैलेंडर देखिएगा और 28 डेज वाला जो होता है, मतलब जो नॉर्मल कैलेंडर होता है उसमें फरवरी का महीना जिस दिन से स्टार्ट होता है सेम डे से मार्च का महीना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 0 है इसलिए मैंने आपको बताया, इससे आपको ये 1, 2, 3 वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा नॉर्मल ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर इस बार तो 2020 का 2019 का कैलेंडर आप उठा लीजिएगा, फरवरी अगर आपकी जिस दिन से स्टार्ट हो रही है उस दिन से ही मार्च का भी फर्स्ट जो तारीख होगी वो उस दिन से स्टार्ट होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मंथ के बाद देखते हैं, हम आते हैं डेज पे, और सब में ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ईयर हो मंथ हो उसके बाद ये डेज। अब डेज पे काउंट करते हैं हमारा, डेज के बाद फिर मैं वीडियो कूंगा। तो डेज में आते हैं, तो डेज हमारा फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आप देखते जाइएगा, आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको काम आएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में संडे। यहाँ ऑड डेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब मंडे आएगा, मंडे को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1, ठीक है। मंडे को कि हमारा 1 से स्टार्ट होता है, पहला दिन होता है। उस तरह से ट्यूसडे डिवाइड करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और इसको यहाँ पर 7 है, 7, 7 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, बिकॉज अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया तो हो सकता है आपको समझ में ना आया, उसमें मैंने आपको बता दिया। और संडे को जब डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमें डिवाइड में 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा और डेज मिल जाएंगे 0। तो ये आपको तीनों मैंने बता दिए, ईयर में, मंथ में और डेज में। इन्हीं सब चीजों का आगे मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा तब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो आई होप ये हमारे कैलेंडर का पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें आगे की चीजें मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए आर एल लर्निंग क्लासेस, हमारे ट्रिक्स और